हेलो नमस्कार। आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ कंगना और तापसी की। ये दोनों आपस में लड़ती रहती हैं। इन दोनों का 36 का आंकड़ा 2019 से शुरू हुआ था, जब कंगना की बहन रंगोली ने तापसी को कंगना की सस्ती कॉपी बोल दिया था, क्योंकि तापसी ने कंगना की जो पिक्चर आई थी जजमेंटल है क्या, उसका ट्रेलर तो अप्रिशिएट किया था और एकता कपूर को काफ़ी ज़्यादा उसने मान सम्मान भी दिया, लेकिन कंगना का नाम नहीं लिया था। इस बात से कंगना की छोटी बहन रंगोली की जल भुन गई और उसने आनन फानन में तापसी को कंगना की सस्ती कॉपी बोल दिया। अब कंगना की बहन ने तापसी को कंगना की सस्ती कॉपी क्यों बोला, ये तो आप समझ ही सकते हैं। जिस तरह की फिल्में पहले कंगना किया करती थी, जिस तरह के लोगों के साथ कंगना काम किया करती थी, तापसी ने उसी गैंग और उसी तरह की फिल्मों को पकड़ा। कंगना ने पहले कुछ बायोपिक्स की, जैसे कि मणिकर्णिका की, जयललिता की, वैसे तापसी ने भी बैक टू बैक बायोपिक्स कर ली, वो शाबाश मिथु और उसके पहले रश्मि रॉकेट, लूप लपेटा, अलग अलग तरह की फिल्में की, जैसे कंगना ने भी अलग अलग जेनर और अलग अलग तरह की फिल्में की। लेकिन अब अगर आप देखें तो जैसे कंगना की पिक्चर धाकड़ औंधमू गिर गई है। अब जब कंगना की मेगा बजट पिक्चर धाकड़, जिससे उसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, वो औंधमू गिर गई है, तो फिर कंगना की सस्ती कॉपी तापसी क्यों पिक्चर है? तापसी की भी फिल्म जिसका नाम है शाबाश मिथु, जिसके बारे में हमने तो काफी दिन पहले ही कह दिया था कि ये पिक्चर नहीं, ये मजाक साबित होने वाला है, और अब तो हुआ भी वही है। जहां कंगना की पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर औंधमू गिर गई, तो तापसी उर्फ कंगना की सस्ती कॉपी उनकी पिक्चर शाबाश मिथु भी औंधमू गिर पड़ी है। और आई थिंक 30 करोड़ के बजट में बनी पिक्चर अब तक ठीक से 1.5 करोड़ भी नहीं कमा पाई है। तो जैसे जैसे कंगना करती है, तापसी उसको वैसे वैसे हु बहु फॉलो करती है। कंगना की पिक्चर फ्लॉप हुई तो तापसी की भी पिक्चर फ्लॉप हुई। एक बात आप और यहां ध्यान दीजिए कि कंगना एक टाइम पर अनुराग कश्यप और उनके जो आसपास के चेले चपाटे हैं, उनकी फिल्में बहुत किया करती थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक एक दिन कंगना को कीड़ा काट जाता है, वो सडनली बीजेपी के प्रति ज्यादा एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के आ जाती है। अब अगर कंगना जो करेगी तो उसकी सस्ती कॉपी वही करेगी, ये तो लाजमी है। ठीक वैसे जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बू आजमी है। तो कंगना ने सरकार यानी कि सत्ता पक्ष का हाथ पकड़ लिया, वहीं तापसी ने विपक्ष का हाथ पकड़ लिया। जहां कंगना हर पॉसिबल वे से मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ, हर चीज को सपोर्ट करती है, वहीं तापसी पन्नू ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती जब वो सरकार को टोंट ना मार दे या फिर कटाक्ष ना कर दे। और लिबरल्स को और अपोजिशन को तापसी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। तो कहना गलत नहीं होगा कि कंगना और तापसी डिवाइडेड बाय ओपिनियंस, इनके ओपिनियन बहुत अलग अलग रहे। तापसी ने खुद को कंगना की सस्ती कॉपी साबित ना करने के लिए कंगना का उल्टा करने की कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं अब कंगना और तापसी दोनों एक ही पेज पर आ चुके हैं। दोनों ही किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, दोनों की ही फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, दोनों ही एक्ट्रेस अपनी फिल्म में खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस और तवज्जो देती हैं, उन्हें लगता है कि उनकी फिल्में उनकी वजह से चल रही हैं, और हकीकत में दोनों की फिल्में दोनों की ही वजह से फ्लॉप हो रही हैं। जैसे जैसे कंगना एकदम आसमान में उड़ती थी, धड़ाम से नीचे गिरी, वहीं तापसी जो खुद को कंगना से नेक्स्ट लेवल या फिर बहुत अच्छी एक्ट्रेस साबित करने के चक्कर में, वो भी ऑन द मूव गिर पड़ी है। इन दोनों ही अभिनेत्रियों को, जिनके बाल और चेहरे का नैन नक्श थोड़ा बहुत सिमिलर है, कंगना के बाल और इसके तापसी के बालों को अक्सर लोग एक जैसा बोलते हैं, काफी कर्ली वगैरह हैं, और इनका अंदाज भी कुछ ऐसा ही रहता है, बहुत ही बोल्ड हैं और एकदम दबंग अंदाज में मीडिया के सामने अपने रिएक्शन रख देते हैं। जहां पर बीजेपी के लोग कंगना को एकदम धाकड़ शेरनी, हिंदुत्व की शेरनी बोल देते हैं, वहीं अगर तापसी कुछ भी ओपन लेटर लिखती है तो वाओ तापसी इज डेड, तापसी इज क्वीन, व्हाट अ बफेटिंग रिप्लाई शी गेव टू द हेटर्स, स्ट्रोलर्स, ओ माय गॉड, ब्ला ब्ला करके तापसी की शान में ये कसीदे पढ़ देते हैं। जबकि हकीकत क्या है, तापसी और कंगना दोनों सेम लेवल पर हैं। इन दोनों की ही फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हुई हैं। दोनों की जिंदगी में हद से ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, जहां कंगना के घर पर बुलडोजर चल गया, वहीं तापसी के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करके दोनों ही न्यूज में बनी रहती है। दोनों ने खुद के प्रोडक्शन हाउस खोल लिए, दोनों ही फिल्में बनाती हैं, एक्ट्रेस है, अभिनेत्री, साथ में प्रोड्यूसर भी है, साथ ही साथ दोनों की दोनों वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म का झंडा लेकर के चलती है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो इन्हें एक सेम पेज पर लेकर आती है, लेकिन फिर भी इनकी आइडियोलॉजी और ओपिनियंस कभी एक दूसरे से मैच नहीं होते। 36 का आंकड़ा, लेकिन फिर भी कितने सेम टू सेम है ना दोनों। इन दोनों के ही जो पीआर है वो एक दूसरे को लड़ाते रहते हैं, जबकि हकीकत में कंगना और तापसी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको भी लाइक जरूर कीजिएगा। आपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।